यूपी के सीतापुर का ब्लॉक रामपुर मथुरा भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। पहले ODF घोटाला उजागर हुआ और अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बनने वाले RR सेंटरों में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में मनमाने तरीके से अनियमितता पूर्वक काम कराकर सरकारी बजट को चूना लगाया जा रहा है। जिम्मेदार हर काम में कमाई के चक्कर में कायदे कानून ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना तो उन्हें चिंता है किसी जांच की और ना ही किसी अधिकारी का डर। वह इसलिए क्योंकि ODF घोटाले में सचिवों के निलंबन के बावजूद भ्रष्टाचार थम नहीं रहा। ताजा मामला ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत राजापुर इसरौली से सामने आया है। यहां स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनवाए जा रहे RR सेंटरों में पीली ईंट का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। ईंटा चुनाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मसाला भी बेहद घटिया दर्जे का है। आइए पहले वह वीडियो देख लेते हैं। यह वीडियो देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि निर्माण सेंटर में किस कदर घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मौके पर मौजूद एक ग्रामीण द्वारा हाथ लगाते ही ईंटा अपने आप उखड़ा जा रहा है। आज हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के विकासखंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत राजापुर इसरौली में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये RR सेंटर बन रहा है, जिसका काम होता है कि इसका एकीकृत ठोस अभिपष्ट प्रबंधन केंद्र के नाम से इसको बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके जो लागत है, जो बनाया जाएगा, लगभग 4 लाख के ऊपर की इसकी लागत है। और हमारे साथ दादा मौजूद हैं, ग्रामीण हैं हमारे साथ, इन्होंने इसमें काम भी किया है। और दादा बताएंगे कि इसमें कौन सा मसाला और कौन सा ईंटा, क्या क्या प्रयोग हुआ है, हम इन्हीं से आज जानकारी चाहेंगे। दादा क्या नाम है आपका? किशोरी। दादा आप ये हमें जानकारी दे सकते हैं कि ये जो RR सेंटर बनाया गया है, इसमें आपने काम भी किया है? हाँ, दो रोज काम हम किया है। तो दादा ये जो दो रोज आप काम किए रहो, इमा ईंटा कौन सा प्रयोग हुआ है पूरे में? यहाँ पीला ईंटा लगा है। ईंटा लगा। अच्छा, ये दादा ये जो बना है का थोड़ा आप देखिए, ये जो है तो मसाला जरा हाथ से दिखा देगा। मसाला तो है, देखो मसाले तो बढ़िया। अच्छा, जरा ईटा देखो, जरा दादा बढ़िया लगे। अच्छा, इसे ईटा यू उखड़ जाता है? ऊपर यू वाला दादा देखो जरा, मसाला के एकदम नहीं। और देखो दादा थोड़ा देखो। अच्छा, इसका मतलब ये जो है पूरा टोटल इसे मसाला लगा है। अच्छा दादा, मसाला कितना लगा था? मसाला दो बार हम खाली काम किया है बस। कई आकर मसाला लग रहा है? मसाला तब तो हम बना रहा है देख रहे थे कि आप ये देख सकते हैं मसाला किस तरीके से मसाला लगा। जरा ये दादा दिखाइए, ये वाला जरा निकाल करके दिखाइए दादा, ये और ये भी निकालिए दादा, पूरी इसको निकालिए, पूरा निकालिए इसको, और ये इधर वाले निकालिए दादा, ये वाले दादा निकालिए। जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय हर ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत RR सेंटर बनवाने का निर्णय ले रखा है। इस RR सेंटर बन जाने से जो ग्रामवासी हैं और गांव के लोग हैं, उनका कूड़ा एक जगह एकत्रित होगा। यहाँ से कूड़ा एकत्रित होकर के और जो गीला कचरा होगा या जो सूखा कचरा होगा, उसको अलग अलग किया जाएगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। एक ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है एक सरकार का महत्वाकांक्षी जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंतर्गत ये ड्रीम प्रोजेक्ट आता है। लेकिन जो रामपुर मथुरा में तैनात विकासखंड में अधिकारी हैं, वो किस तरीके से कार्य करवा रहे हैं, वो आपने अभी आई इंडिया पर देखा, चैनल पर लगातार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पूरी तरीके से
जो बताया जाता है ग्रामीणों द्वारा, और जो हमारे दादा ने बताया, ग्रामीण थे, इन्होंने बताया कि इसमें जो मसाला लगा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा है, और ईंटा पूरा ईंटा पीले ईंटा का प्रयोग हुआ है। अब आप पूरी तरीके से देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ईंटा लगाया गया है। और ये आरआर सेंटर, अब आप रामपुर मथुरा विकासखंड में आप लगातार देख भी रहे हैं इंडिया पर कि जिस तरीके से आरआर सेंटर बनाए गए हैं, सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे आरआर सेंटर बनाए जा रहे हैं जिसमें पीले ईंटे का प्रयोग किया जा रहा है, हालांकि यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल टाइप में है। और यहाँ पर ये गांव के बिल्कुल बाहर है, विकासखंड की दूरी यहाँ से लगभग पड़ जाती है 16 से 18 किलोमीटर, और यहाँ से जो तहसील है इसकी दूरी पड़ जाती है लगभग 10-12 किलोमीटर, और दूरस्थ गांव पड़ता है ये विकासखंड का, ग्राम पंचायत जो है ये दूरस्थ पड़ती है। दादा ने बताया कि पूरे पीले ईंटा का प्रयोग किया गया है इस आरआर सेंटर बनवाने के लिए, और घटिया क्वालिटी जो भी रही है उसमें पूरा प्रयोग किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इस आरआर सेंटर की कीमत जो है, जो प्राकलन लागत है, इस्टीमेट बनाया गया है, वो लगभग 4 लाख के ऊंचे बनाया गया है। 12 एक केयर मसाला बना है। हाँ। आप यहाँ काम करे हो? हम यहाँ दो बार काम किया तो हम जान सकते है जो रुका रहा है। का नाम है आपके? राधे। राधे, कई दिन आप काम करे हो? हम काम किया है हमारे ही में 12-12.5 सौ 12-12.5 सौ मिले नहीं। अच्छा, अभी मिलो नहीं की? अच्छा, ये ईटा और ये जो मसाला लाग है, ईटा कौन है? अब ईटा हम ला गए थे जो भट्टा पर से आवा है हम। अच्छा, और मसाला 12 एकड़ लगा है। कई तसला बारू, कई तसला मोरंग, याग बोरिया सीमेंट। हाँ, 12-11 जनो है बारू तब है तो 12 एक भवा। अच्छा, एक बोली सीमेंट और 12-11 तसला, 11 बोरी बालू। आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू मौर्य के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि इस आरआर सेंटर के निर्माण में 4 लाख से अधिक का बजट पास हुआ है। स्वीकृत बजट में ही बड़ी धनराशि बचाने की जुगत भिड़ाई जा रही है। यह तब है कि जब ODF घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर हाल ही में 4 सचिवों को बर्खास्त किया जा चुका है, फिर भी विकास खंड क्षेत्र में तैनात सचिव अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। हालांकि इस मामले में जब सचिव प्रधान भार्गव से जानना चाहा गया तो उन्होंने इंडिया को फोन पर बताया कि उसे तोड़वाकर फिर से निर्माण कराया जाएगा, जबकि वीडियो संदीप कुमार द्वारा फोन न रिसीव किए जाने से पक्ष नहीं लिया जा सका। हालांकि ADO पंचायत रामलाल वर्मा ने इंडिया को फोन पर बताया कि कंसल्टिंग इंजीनियर को भेजकर जांच कराई जाएगी। रामपुर मथुरा से इंडिया के लिए दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए इंडिया।